जय श्री कृष्ण। आज से हम लोग गीता के बारे में कुछ चिंतन आरंभ करेंगे। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं भगवद गीता के बारे में, 18 अध्यायों का यह ग्रंथ जिसमें 700 श्लोक है, एकमात्र ग्रंथ जो रणभूमि पर कहा गया, एकमात्र ग्रंथ जो भगवान की वाणी से प्रकट हुआ, एकमात्र ऐसा यह ग्रंथ जिसकी जयंती मनाई जाती है। और अर्जुन विषाद योग इस पहले अध्याय से इसका आरंभ होता है। 4 लोगों का संवाद है यह, जिसमें धृतराष्ट्र संवाद का आरंभ करते हैं अपनी जिज्ञासा से। कौरवों के पिता जो कि नेत्रहीन है, अपने साथ बैठे उस दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय मुझे बताओ तो सही कि उस धर्म क्षेत्र पर, उस कुरुक्षेत्र पर मेरे पुत्र कौरव और पांडव कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर। यह जिज्ञासा प्रकट की, यह एकमात्र श्लोक जो धृतराष्ट्र के मुंह में दिया गया। और फिर संजय बताना आरंभ करते हैं कि वहां चल क्या रहा है। दोनों तरफ से रथी, अतिरथी, महारथी अपने अपने शंख बजा रहे हैं। 11 उक्षोहिणी सेना जो कि कौरवों के साथ खड़ी है, और 7 उक्षोहिणी सेना जो पांडवों के पक्ष में खड़ी है। अब दोनों युद्ध के लिए अपने अपने हथियार उठा रहे हैं, अपने अपने शस्त्र ऊपर कर रहे हैं, और शंख ध्वनि चल रही है। और उसी समय अर्जुन अपने सारथी बने श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, अपना यह रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं कि चल क्या रहा है, कौन कौन लोग सामने खड़े हैं। और बिल्कुल वैसे ही केशव ने वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। सेनयोर भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, वह उत्तम रथ, वह सुंदर रथ दोनों सेनाओं के बीच में आकर जब खड़ा हुआ, तब अर्जुन देखने लगा कि कौन कौन खड़े हैं। और जब एक एक चेहरा दिखने लग गया, वैसे वैसे अर्जुन हतोत्साहित होने लगा। वह भयग्रस्त नहीं था, वह तो शूर था, प्रतापी था, महावीर था, लेकिन अपने पितामह भीष्म सामने खड़े हैं सेनापति बनकर, अपने गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, अपने कितने ही भाई खड़े हैं, अपने मामा, अपने ससुर, अपने शालक खड़े हैं, यह सब देखकर उसका मन डगमगाया कि मैं क्यों कर रहा हूं यह युद्ध, क्या आवश्यकता है इस युद्ध की, क्या पाऊंगा मैं इस युद्ध को लेकर। और फिर अर्जुन अपने स्नेही सखा कृष्ण से कहने लगे कि नहीं चाहिए मुझे यह युद्ध, ये राज्य की भी आकांक्षा नहीं करता हूं मैं, ना मुझे भोग चाहिए, मैं काम करता हूं, मैं चला जाता हूं यहां से, प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, मैं प्राण त्याग कर देता हूं, सर्वस्व का त्याग कर देता हूं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य की अब इच्छा नहीं रही, क्या करूंगा इन सब अपनों को मारकर, मैं अपने ही बहनों को विधवा करूंगा कर, अपने ही लोगों का नाश करूंगा। उसकी जो सारी देह बोली है, वो अर्जुन हतोत्साहित है, डिप्रेशन में है, उसके हाथ का गांडीव नीचे गिर जाता है और अंत में तो वो नीचे बैठ जाता है। इस पूरे पहले अध्याय में भगवान के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, एक भी श्लोक नहीं दिया गया, और भगवान का यह मौन भी हमको बहुत कुछ सिखा जाता है। जब अपने स्नेही, अपने सखा जब ऐसी दुविधा की परिस्थिति में है, हतोत्साहित है और कुछ कह रहे हैं, तब हमें करना क्या चाहिए, इसका संकेत भगवान के इस मौन से हमें प्राप्त होता है। भगवान मौन है लेकिन सुन रहे हैं, भगवान शांत है लेकिन देख रहे हैं। जब अपने को ही ऐसे
शांत हो जाते हैं, दिग्मूढ़ हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं और फिर कुछ कहने लगते हैं, तब बड़ी शांति के साथ में उनका कथन हमें सुनना चाहिए। सुनने में बड़ी ताकत है। केवल उपदेश करना, केवल भाषण करना, यही श्रेष्ठ काम नहीं, सुनना ये उससे भी श्रेष्ठ है। और भगवान केवल सुन रहे हैं। पहले अध्याय से ये सीख हम लोगों को प्राप्त करनी होगी। और अर्जुन सब कुछ अपने स्नेही सखा को कह रहे, जब हमारे मन में इस प्रकार की दुविधा खड़ी हो जाए तो अपने मन की बात किसी को कहना, मन के विचार किसी के साथ शेयर करना, ये शेयरिंग में भी बड़ी ताकत है। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है। अपने हृदय को हल्का करना, अपने मन की बात अपने निकटवर्ती स्नेही को बताना, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। और पहले अध्याय में यही सीख मिलती है हम लोगों को कि जब ऐसा कुछ घट जाता है तब निश्चित रूप से हम लोगों को अपने मन की बात अपने स्नेही जनों के साथ में शेयर करनी चाहिए। और यदि कोई अपना स्नेही ये शेयर कर रहा है तो उसको शांति से सुनना चाहिए। आइए इस पहले अध्याय के बाद हुआ क्या ये भी कल जानते हैं। जय श्री कृष्ण।